नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर MBA इंटरनेशनल मार्केटिंग जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्ट्रीम का है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से आया हुआ है। दोस्तों आप लोग अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप जो अपना असाइनमेंट बना रहे वो 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको फ्यूचर में कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप लोग अपने असाइनमेंट में जो फॉन्ट यूज़ करें वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का ही होना चाहिए। उसका साइज 12 होना चाहिए और किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करना तो उसे बोल्ड करना है। आप किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए। चौथा ये कि आप अगर अपने असाइनमेंट में कुछ पिक्चर लगा रहे हो एग्जांपल के लिए तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए और साथ में उस पिक्चर का रेफरेंस लिंक शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार कॉपी चेकर को ये फील हो सकता है कि आपने असाइनमेंट कॉपी करके लिखा और आपको बिना चेक किए कॉपी केस दे सकता है। पाँचवा ये कि आप अपने अगर थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो तो थ्योरेटिकल पेपर में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना है, और अगर न्यूमेरिकल दे रहे हो तो उसमें अगर आप फॉर्मुलेशन और कंक्लूजन लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, जहाँ पे आपको 1000 वर्ड लिखना है। आप लोग जरूरी नहीं कि 1000 ही लिखो, आप 900 भी लिख सकते हो और 1100 भी लिख सकते हो, लेकिन 1100 से ज़्यादा नहीं और 900 से कम नहीं होना चाहिए। इन केस कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि छोटा है और हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी 900 या फिर 800 तक ही पहुँच रहे, 900 नहीं पहुँच पा रहे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो चल सकता है। लेकिन अगर आपके आंसर्स ऐसे लग रहे हैं कि वो 1000 वर्ड भी टच करेगा तो आपको मिनिमम 900 वर्ड्स तो लिखने ही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जहाँ पे ये बोला गया कि एज ईच कंट्री टुडे थिंक्स अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर मार्केट्स, व्हाट इन योर ओपिनियन स्टिल मोटिवेट्स फर्म टू एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज हम लोग ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, कई कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग इम्पोर्ट्स जो है और उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, दूसरे कंट्री के कंपनी जो है हमारे कंट्री में आके बिजनेस नहीं करे, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? और इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो इंटरनेशनल फर्म जो होता है वो फॉरेन कंट्री में इंगेजमेंट के लिए कैसे मोटिवेट होती है, आपका इसमें क्या ओपिनियन है ये बताना है। तो अगर मैं जैसे कि बात करूं, जैसे कि हम लोग अगर फ्यूचर में बात करें कि हम लोग पास्ट में ये देख रहे थे कि लिबरलाइजेशन हुआ फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अपने जो कंट्री में बना रहे वो बाहर जाके भी अगर बेचेंगे तो वहां से भी हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे जो कंट्रीज है, दूसरे कंट्रीज है, वो ग्लोबलाइजेशन बंद करना चाहते हैं कि मैं अपना प्रोडक्ट बस अपने ही कंट्री में रखूं और दूसरे कंट्री को भी अपने कंट्री में आने ना दूं, ताकि हमारा मार्केट जो है सेफ रहे। तो ये चीज़ हर कोई जो फॉरेन कंपनीज़ है, इंटरनेशनल बिजनेस जो चला रहे कंपनीज़ फर्म्स हैं, वो फिर भी उस चीज़ से इंगेज हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भी जाके बेचूंगा। तो वो जो इंगेजमेंट बन रहा है वो किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं और इसमें आपका क्या ओपिनियन है इस मोटिवेशन के ऊपर, तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों केस स्टडीज़ है। केस स्टडी जो होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन और जो आपके माइंड से खेलता है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे पेज रेफरेंस लेकर आया हूँ। तो इसके लिए ई बुक में हम लोग चलेंगे पेज नंबर 30 के अंदर। तो ई बुक में चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग 1.4 या फिर 1-4 में हम लोग देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद इसे आपको अपने वर्ड में 1000 वर्ड के अंदर लिखना है। दोस्तों आप लोग कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉपी करोगे तो आप लोग फंसोगे, जो आपके लिए सीधा सा एक हम लोग कह सकते हैं कि धमकी है कि आप अगर कॉपी करोगे तो आप अपना फंसोगे, इसमें NMIMS का कुछ नहीं जाएगा। तो आप अपने आंसर्स को अपने खुद के वर्ड में लिखिएगा। आप चाहो तो हमारे जो सेमेस्टर 1 के मार्केटिंग मैनेजमेंट के बुक्स है वहाँ से भी किसी तरह का छोटा सा कंटेंट उठा सकते हो, जहाँ पे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो वहाँ से भी आप अपने छोटे कंटेंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर उठाकर लिख सकते हो, लेकिन अपने वर्ड में, और गूगल का भी यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये सॉल्व होता है। आपका यहाँ पे पेज रेफरेंस है हार्डबुक ई बुक दोनों का। हार्डबुक का नीचे PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास बचा नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन योर ओपिनियन डू यू थिंक वी शुड प्रिंट FDI, परमिट FDI एंड FII टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि हम लोग FDI यानी कि फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको हम लोग परमिशन दे वो मेरे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। तो इसका आपको ओपिनियन देना कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 235 में चलते हैं। 235 में आपको इन्वेस्टमेंट नाम का एक पोर्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है और FII के बारे में बताया गया है। आपको इसे पढ़ना और इसे अपने वर्ड में लिखना है। और इससे अच्छे अगर कंटेंट्स आपको चाहिए तो आप गूगल यूज़ कीजिए, लेकिन वहाँ भी आपको जो है आंसर्स अपने वर्ड में ही लिखने हैं, वो कॉपी करके आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको ये चीज़ लिखना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, FII क्या होता है, और आपके ओपिनियन में क्या सही है, परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी आपको अपने ऊपर से बताना है। तो ये ई बुक का है और हार्ड बुक का, और आपको कंटेंट जो है ये लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में। दोस्तों 3A और 3B में 500 वर्ड ईच रहते हैं एक एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। योर फर्म मैन्युफैक्चर्स बाइसाइकिल इन इंडिया एंड विशेस टू मार्केट देम ग्लोबली। आपका कंपनी इंडिया में साइकिल मैन्युफैक्चर करता है और वो चाह रहा है कि वो इंडिया से बाहर जो है दूसरे कंट्रीज में ग्लोबली अपने बिजनेस को चलाए, वहाँ भी साइकिल अपना मैन्युफैक्चर करे और वहाँ पे जाए अपना प्रोडक्ट को बेचे। इन स्पाइट ऑफ कॉम्पिटिशन यू सी दैट साउथ अफ्रीका हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एंड प्लान टू एक्सपेंड योर रिटेल ऑप्शंस इन साउथ अफ्रीका। आपने कंपटीशन देखते हुए ये देखा कि साउथ अफ्रीका में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आप अपने रिटेल ऑपरेशंस को जो है एक्सपेंड करना चाहते हो, वहाँ पे एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सप्लेन योर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी टू लॉन्च द बाइसाइकिल इन साउथ अफ्रीका। आपको यहाँ पे ये बताना है कि साउथ अफ्रीका में आप जो बिजनेस करने वाले हो साइकिल का, उसमें मार्केट एंट्री का स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको बताना है। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 254 में चलते हैं। पेज नंबर 254 में जाने पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज 8.7 में। आपको इसे भी पढ़ना है और इसे अपने वर्ड में 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे आपको सारे ड्रिल दिया हुआ है कि मार्केट में एंट्री करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके का स्ट्रेटजी आपको अपनाना है, ये सारा चीज़। और क्वेश्चन नंबर 3B का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक्सप्लेन मेजर ग्लोबल प्राइसिंग पॉलिसीज, विच ऑफ दिस प्राइसिंग पॉलिसीज वुड यू कंसिडर वाइल लॉन्चिंग द बाइसाइकिल इन साउथ अफ्रीका। अब आप यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करोगे कि अगर हमको साउथ अफ्रीका में कोई प्रोडक्ट बेचना है, अपना साइकिल बेचना है, तो उसका प्राइसिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोग जो है किस तरीके से हैं, वहाँ पे आज भी व्हीकल बहुत अलग मॉडल का चलता है। बाइक अगर देखें, टू व्हीलर्स वहाँ पे बहुत अलग मॉडल्स के होते हैं, और जो सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाला बाइक था वो बजाज था। तो ये सब चीज़ किस तरीके से काम करो, वहाँ के लोग, वहाँ के इन्वायरमेंट कैसे, तो वहाँ पे प्राइस भी कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ आपको बताना है। विच ऑफ दिस प्राइसिंग पॉलिसी वुड यू कंसिडर वाइल लॉन्चिंग, और आप किस तरह के प्राइसिंग पॉलिसीज़ को कंसिडर करोगे लॉन्चिंग के टाइम पे, वो ध्यान देना। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 315 पे चलते हैं। तो 315 में हम लोग को इसके आंसर्स थोड़े से देखने को मिलेंगे। तो 315 में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 10.5 में ग्लोबल प्राइसिंग और 3 पॉलिसीज अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको 3 अल्टरनेटिव्स देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल प्राइसिंग के, जो आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको बताना है और लिखना है। इसे ऑब्वियसली आपको अपने वर्ड में लिखना है और अपने वर्ड में लिख के इसे 500 वर्ड के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये आपका 3B का भी आंसर कंप्लीट हो गया। 3A और 3B का आपको पेज नंबर और कंटेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना करें।